आज की मेरी ट्रिप थी शिव बाबा की, जो कि मैं सुबह मॉर्निंग में निकला और यहाँ पहुँचते पहुँचते हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि यहाँ पे आके एकदम दिल खुश हो गया। मानिए कि यहाँ पे जो मंदिर है शिव बाबा की, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ की जो मेला वगैरह लगती है ये सोमवार को और शुक्रवार को लगती हैं, हफ्ते में दो दिन। बाकी यहाँ पे शादियाँ होती रहती हैं, पर डे होती रहती हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो लखनऊ से भी ट्रेन मिल जाएगी, जो कि अकबरपुर आप आ सकते हैं। अकबरपुर से आपको पड़ेगी शिव बाबा 5 किलोमीटर, वहाँ से आप कोई भी टैक्सी पकड़ के आ सकते हैं और इसी तरह आप इंजॉय भी कर सकते हैं। काफ़ी सारा भीड़ यहाँ पे होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। शिव बाबा के नाम से ये मंदिर है, जो कि ये पॉलिटेक्निक के कॉलेज के सामने जस्ट है। तो हाय गाइज, मैं हूँ मनोज, आप देख रहे हैं ऑल माय वीडियो मनोज गुप्ता यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं फिलहाल आया हूँ शिव बाबा, जो हमारे यहाँ अकबरपुर से 5 किलोमीटर पड़ता है, हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अभी वहाँ से हम आए हैं और ये बैक साइड मेरे पीछे देख रहे हैं टेम्पल, यही है। और यहाँ दर्शन करके फिर एक टेम्पल उधर उस साइड है, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और अभी चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ आगे। और यहाँ खूब सारी दुकान भी लगी रहती हैं मिठाइयाँ की। और ये देखिए शिव बाबा का टेम्पल। बाकी यहाँ पे खूब सारी दुकानें भी लगी रहती हैं, जो कि मेन मंदिर ये है, आप देख रहे हैं सामने शिव बाबा की। यहाँ शिव बाबा में जो श्रद्धा भक्ति से कोई मानता है तो उसकी ज़रूर पूरी हो जाती है। वैसे तो मेला यहाँ पर हर दिन लगता है, लेकिन सोमवार और शुक्रवार दो दिन हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। वैसे तो यहाँ पर पूजा करने के बाद यहाँ पर फेरे लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे दो टेम्पल है तो शिव बाबा का, यहाँ बहुत बड़ी मेला भी लगता है, यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ भी होता है। सिर्फ यहाँ सोमवार और शुक्रवार को भीड़ होता है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ ये है भोलेनाथ का जो टेम्पल है, और बाकी सोमवार को काफ़ी भीड़ होती है और शुक्रवार को भी भीड़ होती है, बाकी दिन भीड़ नहीं होती है। और यहाँ पे मेला भी डेली लगता है वैसे, लेकिन सोमवार और शुक्रवार को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं टेम्पल, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यही है शिव बाबा का मंदिर, जो कि अकबरपुर से अगर देखा जाए तो 5 किलोमीटर पड़ता है दूर, और ये हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर पे है ये टेम्पल। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ खूब सारी इंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगे आप सबको आके। तो इसी तरह देखते रहिए हमारे वीडियो। यहाँ पे लोग पट्टी भी बांधते हैं जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, इसलिए यहाँ पे ढेर सारी पट्टियाँ बंधी हुई हैं।
लोग यहाँ फ़ोटो भी क्लिक करवाते हैं, कुछ लोग अपने फ़ोन से क्लिक करते हैं। यहाँ फोटोग्राफर भी होते हैं जो कि आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। तो हे गाइज, एक चीज़ मैं आप सबको और बता देता हूँ कि यहाँ से दो गेट है जो कि आप आ सकते हैं। एक इस साइड से गेट है और एक उस साइड से गेट है, तो एक सामने एक साइड, इस साइड पीछे हमारे देख रहे हैं इस साइड गेट है, तो यहाँ दोनों गेट से आप आ सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप फोर व्हीलर से आप बाइक से आ रहे हैं तो यहाँ से आ सकते हैं। अगर फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो उस साइड एक पीछे की जगह है, वहाँ से आप आके गाड़ी खड़ा करके आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी खूब मतलब काफ़ी यहाँ शादी वादी होती रहती है, बड़ी मंदिर है और यहाँ भी हमेशा शादी होती है, मतलब सोमवार और शुक्रवार को तो भीड़ होती है और यहाँ दोनों दिन तो शादियाँ होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी होती रहती हैं। और पीछे हमारे इस साइड मेले खूब लगे हैं, देखते हैं। तो चलिए आगे दिखाता हूँ सबको। तो हे गाइस, यहाँ दर्शन हो गया और अभी मैं चल रहा हूँ फाइनली बाहर, और काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बड़ा यहाँ पे मेला लगता है। और पीछे हमारे सब देख रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है, तो आ सकते हैं इसी के साथ। और चलिए आगे दिखाता हूँ, और पीछे ये देखिए मेरे, और दोनों साइड से दुकानें लगी हैं। अभी तो हमने कुछ खाया नहीं है, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद खाते हैं, लेकिन अभी पूजा उजा थोड़ा, गाड़ी लिया हमने नया। तो एक चीज़ मैं आप सबको बताना भूल गया कि मैंने एक गाड़ी लिया है बोलेरो, तो उसका मतलब यहाँ शिव बाबा आए हैं दर्शन करने, तो वहाँ पे उसका पूजा होगा और पूजा करवाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ कुछ खाए पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर, ठीक है। तो इसी तरह देखते रहिए हमारे चैनल पर और आगे देखा। सो हे गाइस, अभी मैं वहाँ मेला लगा था वहाँ से आ गया हूँ। ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे पूजा हो रहा है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी जगह है, पीछे कितना जगह खाली है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह हुआ है, तो ये है गाड़ी में। सो हे गाइस, इसी गाड़ी से हम लोग आए थे और फाइनली यही गाड़ी लिया था जो कि बोलेरो है, और मुझे पता नहीं है कौन सा मॉडल है, ये सब नहीं पता है। बाकी आप सबको वीडियो में बने रहिए, इसी तरह आप सबको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और वीडियो आगे दिखाता रहूँगा। चलिए आगे चल के मैं आप सबको दिखाऊँगा आगे का सीन, जो रोड पे चलते हैं वो कितना अच्छा व्यू आता है। अभी मैं कैमरा जो कि आगे लगाऊँगा, यहाँ से पूरी अच्छी क्लीन आएगी वीडियो, तो वो आगे आप सब देखते रहिए। और पीछे आप देख सकते हैं शिव बाबा में बैकग्राउंड पूरी, मतलब ये पीछे कितना खाली है। यहाँ पे अगर आप फोर व्हीलर खड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, और बाकी बाइक के लिए उस उधर जगह है, और बाइक और मतलब थ्री व्हीलर टू व्हीलर उस साइड है, बाकी फोर व्हीलर इस साइड है, और यहाँ पीछे से आ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आप सबको बता दूँ, पीछे यहाँ से रेलवे भी पटरी भी है जो कि अकबरपुर से गोसाईगंज के बीच में है, तो उस साइड काफ़ी दूर में है, तो वहाँ भी ये पीछे नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग फिर से चल रहे हैं, कुछ चाय पानी नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे आप सबको। रास्ते में बारिश हो गई थी जिससे व्यूज काफ़ी अच्छे हो गए थे और देखने में काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा था। इसी के साथ हम भी चल रहे थे।
इतने अच्छे नज़ारों के साथ। देखिए आप भी। अब यहाँ आए काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए अब मैं निकल पड़ा घर की तरफ और बज गए थे 2:06 और अब मैं चल रहा हूँ अपने घर की तरफ। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल पे और मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।